नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमवाणी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर अनुराग जी, जो जिन्होंने आयुर्वेदा पर करीब 10-11 पुस्तकें अभी तक इनकी आ चुकी है, वे स्वयं यहाँ बुक स्टॉल पर उपस्थित है। ये इनका पूरा बुक्स का स्टॉल है, आप आकर विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। इनकी पुस्तकों को का अवलोकन कर इन्हें आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है उससे रिलेटेड और संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी आयुर्वेदिक पुस्तकें इनके पास है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे हम इन्हीं से पूछते हैं। सर, स्वागत है आपका हिमवाणी फेसबुक पेज पर। जी, नमस्कार। जी सर, कुछ बताएं सर, इतनी सारी पुस्तकें आपकी यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉल पे, पूरा स्टॉल सजा है, और क्या पाठक वर्ग यहाँ तक पहुँच रहे हैं? और नहीं पहुँच रहे हैं तो अगर हमारे पेज को देख रहे हैं तो भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और इन पुस्तकों को पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। ये देखिए, एक बार मैं बताना चाहूँगी, ये इस तरफ भी है इनकी पुस्तकों का काफ़ी। जी आप बताएं सर, इन पुस्तकों को लिखने में आपको कितना समय लगा, कितना अनुभव? वैसे हम सभी जानते हैं कि आप डॉक्टर होने के साथ साथ, आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। हमने अक्सर आपको गोष्ठियों में सुना भी है, आपकी कविताओं का आनंद लिया है, लेकिन ये आपका जो अलग स्वरूप है, आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, अपने जीवन अनुभव के बारे में हमें बताएं। जी, पुस्तकों का अनुभव ये है कि ये बहुत ही एक प्रकार से अनुसंधान कार्य है, क्योंकि मैं एक चिकित्सा कार्य से जुड़ा हुआ हूँ सीधे, और चिकित्सा में जो अनुभव आते हैं मुझे, अनुभव मैं रोगियों पर देखता हूँ, उन सबको मैं एक प्रकार से लिपिबद्ध करने का प्रयास करता हूँ। ये एक श्रम साध्य कार्य है, लेकिन इसमें बहुत आनंद, मुझे सुकून महसूस होता है। और आज जो है पहला सुख निरोगी गया, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इसलिए हमें इस चुनौती से सामना करने के लिए मेरा उद्देश्य रहता है कि आम आदमी, मैं जो पुस्तक लिखूँ उससे लाभान्वित हो सके, सीधे उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। तो ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो इसको हम जो कर रहे हैं। मुझे खुशी तब हुई जब मुझे मेरी द्वारा लिखित ये पुस्तकें, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला भारत सरकार गृह मंत्रालय से, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आज ये देश की बेस्ट सेलिंग बुक है, आयुर्वेद के नाम पर बहुत अच्छी पुस्तक चल रही है। इसके अलावा एक पुरस्कार मुझे इस पुस्तक को मिला, आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, इसको 2014 का राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे इस पुस्तक को मिला। तो एक प्रकार से ये भी बेस्ट सेलिंग बुक है। और इस स्टॉल पर जो प्रकाशक ने पुस्तकें रखी हैं, ये मेरी सारी पुस्तकें नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें अभी आउट ऑफ प्रिंट है, जिन पर काम चल रहा है, अन्य भाषाओं में भी इन पर काम चल रहा है। तो एक अनूठा सा अनुभव है, और ये आम आदमी को इसलिए उपयोगी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में उमाया, भारतीय संस्कृति में 9 सुख बताए, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख भाई बलवीरा, छठवा सुख राज में सीरा, सप्तम सुख हो वास सुभाषा, अष्टम सुख हो पंडित पासा, तो नवम सुखो मित्र गनेरे, ऐसे नर ही जग बहुते रहे। इसमें हमने बताया, एक किताब प्रिवेंशन पर है, बीमारियां पैदा ही नहीं हो। हम लोग अपनी जिंदगी को खुद ही जटिल बनाते हैं, जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को इंसान बहुत है, खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत है। इस किताब में आसान नुस्खे बता रखे हैं। इसमें बताया कि 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत। इसमें ये बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए। पहाड़ों में एक कहावत है, अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, चौथे पीठ तुरंग की स्वर्ग निशानी चार। ये इसमें बताया, अनाज हमेशा 1 साल पुराना होना चाहिए, आपको डायबिटीज नहीं होगी। आज हम लोग अंधाधुंध चाय कॉफी पीते हैं, चीनी का सेवन करते हैं, मिलावटी दूध का सेवन करते हैं। तो इसमें ये बताया, खाए चना रहे बना, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, बुलाते सब हिकड़ी। ये बहुत उत्तम इस विषय पर जो लिखी, आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर मैंने पुस्तक लिखी, इसको भारत सरकार ने, आप देख ही रहे, नेशनल अवार्ड इसको प्रणब मुखर्जी साहब से, भारत सरकार गृह मंत्रालय से मिला। तो इसमें हमने बेसिक उठाए, साधारण चीजें जो आम आदमी जिनसे लाभ उठा सकता है। इसमें हमने बताया कि भोजन से पहले पानी पीना चाहिए, नहीं पीना, पहले पीवे जोगी, बीच में पीवे भोगी, पाछे पीवे रोगी, ये पुस्तक बताती है। ये जीवन शैली, ये बीमारियों का इलाज बताती है, कैंसर के रोगी को क्या परहेज रखना चाहिए, किस प्रकार का कैंसर हुआ उसमें कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करना है, भूखों में ग्रीस खत्म हो रही है तो क्या हमें फॉलो करना है, ये सारी चीजें हमने छोटी छोटी बातें, जिनको हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव और क्योरेटिव दोनों ही पहलुओं पर हमने इसे
टच करने का प्रयास किया। इसमें एक पुस्तक जो सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाई, ये पुस्तक अभी आउट ऑफ प्रिंट है, इस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी इसका नया संस्करण आने वाला है। तो ये भी एक अद्भुत पुस्तक है। ऑपरेशन से जिन जिन बीमारियों पर, लगभग 50 ऐसी बीमारियां जिन पर एलोपैथी के डॉक्टर्स जाते ही ऑपरेशन की सलाह देते हैं, हमने हजारों पेशेंट उनको बचाए, ऑपरेशन से बहुत सारे पेशेंट को बचाया, तो उसका एक लाभ सीधे सीधे पेशेंट को मिलता है ऑपरेशन से बचने के लिए। जी बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए आपको राष्ट्रपति महामहिम से भी बहुत सारे पुरस्कार इन पुस्तकों पे मिले हैं, ये हमारे लिए भी, हिमाचल के लिए भी बहुत ही एक गर्व की बात है कि हमारे भी जितने वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं आप, तभी आप इनको अपने जो शब्द है किस तरह से डॉक्टरी, और कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवाने, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। मैंने ये सलीके से रखने का एक प्रयास किया और मुझे पुरस्कार भी मिले, मुझे इन पुस्तकों से बहुत कुछ मिला। ये सारस्वत साधना ने मेरा जीवन निखारा और आज मैं एक बुलंदी पर हूँ, इसके सरस्वती साधना का परिणाम है। और आयुर्वेद स्वदेशी चिकित्सा हमारा जो है, मोदी जी का जो है लोकल टू वोकल, वो हमारा है सारा। हमने इसमें ये बताया कि कोदा, कंगनी, बीतू, दर्पणी, ओगला, फाफरा, हमने कहा गेहूँ छोड़ो, हम रोगियों को सलाह देते गेहूँ का त्याग कीजिए, जो चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सिंगाड़ा, इस तरह की आटे से रोटी में नहीं खाइए, आपको गेहूँ छोड़ना चाहिए। और अब ऐसी बीमारियां पैदा हो रही कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। वीट एलर्जी के लाखों पेशेंट है इस समय, एलर्जी कितनी सारी बीमारियां फैल रही है, तो उससे बचने का हमारे पास एक जी यानी जो हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, कई जैसे नाम अभी आपने बताए हैं, खाए पिए समय पर और समय पर सोए, आप ही करें, जीवन में संयम करें, रुग्ण काहे को होए, इधर आओ, आप इधर आइए ना, अपना काम कीजिए, वहाँ क्या कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। और आप यदि प्रकाशक के बारे में भी बताना चाहें कि कौन पुस्तकों के प्रकाशन कहाँ से हुआ है। अमृतकल्प आयुर्वेद से प्रकाशित हुई है कुछ पुस्तकें, बाकी अलग अलग प्रकाशक हैं, और दिल्ली के प्रकाशक हैं, चंडीगढ़ के प्रकाशक हैं, तो उन सबके योगदान से हम काम कर रहे हैं। और एक प्रकार से ये जो मिशन है इसमें बहुत श्रम साध्य है और व्यय साध्य भी है, इसलिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये शौक एक पाला है तो उसको हम निभा रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ इसको निभाने का प्रयास करें, क्योंकि ये समाज उपयोगी चीजें हैं, समाज को दिशा देने वाली चीजें हैं। बिल्कुल सर, आपने देखिए समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा, मैं कह सकती हूँ बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि एक पुस्तक को लिखने में, मेरी तो अभी सिर्फ एक पुस्तक आई है, तो मुझे पता है कि कितना श्रम साध्य एक कार्य है, और एक पुस्तक को एक रूप, पुस्तक का रूप देने में इतना समय लग जाता है, तो आपकी तो इतना पूरा शेल्फ भरा है पुस्तकों का, तो हम समझ सकते हैं कि आपने कितना श्रम किया होगा पुस्तकों के लिए। अंत में जो पाठक, हम देखते हैं कि पाठक आजकल बुक फेयर तक नहीं आ पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया में ज़्यादा लगन रहते हैं, वहीं से कुछ छोटी मोटी जानकारियां प्राप्त करने के, वो समझते हैं कि बस हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे। पुस्तकों का अपना एक भविष्य है, पुस्तकें एक ऐसी, पुस्तकों को पढ़ने का मतलब है आप एक उस कालखंड का अध्ययन कर रहे हैं, लेखक के उस जिस कालखंड में लेखक ने जन्म लिया उस कालखंड से आप जुड़ रहे हैं, सीधे सीधे संवाद आप उससे स्थापित कर रहे हैं। तो पुस्तकों को पढ़ना अभी पुस्तकों पर बहुत बढ़िया पुस्तकों का भविष्य है और लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जो पुस्तक प्रेमी लोग हैं वो इसको अभी भी, लोग एक साथ पुस्तकें खरीदते हैं, मेरी पुस्तकें पूरे सेट के सेट लोग ले जा रहे हैं, तो ये सब इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद है और हमारी पुस्तक संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, लेखन की संस्कृति है, पुस्तक की संस्कृति है, तो श्रुति है और एक स्मृति है, पुस्तक स्मृति का काम करती है। जी बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है, यानी हम कह सकते हैं युवाओं से भी अगर कोई यहाँ पे आना चाहे, विजिट करना चाहे, तो पुस्तक संस्कृति की ओर ज़रूर मुड़े। हम ये नहीं कहते कि आप सोशल मीडिया को ना अपनाएं, ना देखें, बल्कि आपको किताबें भी कहीं ना कहीं पढ़नी चाहिए, जो ज्ञान किताबों से आपको मिलेगा वो कहीं पर नहीं मिलेगा। और अगर ये पुस्तकें डॉक्टर अनुराग जी की हों, जो कि एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और साथ ही साथ आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, तो आप आपको इनकी पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए। जी सर, हिमानी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।